हेलो फ्रेंड्स टूडेज टॉपिक इज सरोगेट्स। सरोगेट्स के बारे में ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन की बुक में अफोरज्म 118 और 119 में डिस्कस किया गया है तो आप सब उस अफारज़म को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए हम जानते हैं सरोगेट्स क्या होते हैं तो डेफिनेशन देखते हैं सरोगेट्स मीन्स सब्स्टिट्यूट टू पुट वन इन अनादर प्लेस इक्वेलेंट और अल्टरनेटिव इन द प्लेस ऑफ अनादर सर्विंग द सेम पर्सन तो सरोगेट्स क्या होता है सरोगेट मतलब सब्सटीट्यूट यू माइट हैर्ड ऑफ सरोगेसी तो वो क्या होता है कि एक प्लेस से एक प्लेस की जगह किसी अल्टरनेटिव प्लेस पे वो प्रोसेस किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे भी सरोगेट्स का मतलब है सब्सटीट्यूट या फिर इक्वेलेंट और अल्टरनेटिव इन प्लेस ऑफ अनदर सर्विंग द सेम पर्सन मतलब कोई एक ही जैसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ की जगह लेकर उसके फंक्शन को परफॉर्म करे या फिर ऑल्टरनेट करे ठीक है आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू हैनमेन एनी मेडिसिन के नॉट बी यूज इन सब्सटीट्यूट फ्रेंड्स हमने ड्रग प्रूविंग के बारे में पढ़ा है और उसमें हमने बहुत इम्पॉर्टेंट एक ये पॉइंट देखा था कि पैक्यूलरिटी होती है एक मेडिसिन सिर्फ एक ही इंडिविजुअल परूफ की जाती है तो मेडिसिन अगर इंडिविजुअल पे परूफ की जा रही है और सिंगल मेडिसिन प्रूफ की जा रही है दैट मींस कि मेडिसिन का कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है एक डिजीज़ के लिए एक ही सिमिलिमम होगा मेडिसिन का तो होम्योपैथी में अब डॉक्टर हैनीमन बोलते हैं कि होम्योपैथी में सब्सटीट्यूट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है क्यों बिकॉज द पैथोजेनेटिक पावर कॉन्टलीज पावर ऑफ डिफरेंट मेडिसिन इज़ डिफरेंट तो ये बात तो बहुत है कि डिजीज क्योरिंग पावर जो होती है वो हर मेडिसिन की अलग होती है ठीक है तो इसीलिए एक मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से सब्सटीट्यूट नहीं किया जा सकता आगे क्या लिखा है एवरी मेडिसिन एग्जिबिट्स पेक्यूलियर एक्शंस ऑन द ह्यूमन फ्रेम हमें अच्छे से पता है कि सारी मेडिसिन का ह्यूमन फ्रेम पे कोई ना कोई पेक्यूलियर एक्शन या फिर स्पेसिफिक एक्शन होता है विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बाय एनी अदर मेडिसिनल सब्सटेंस ऑफ अ डिफरेंट काइंड वो पेक्यूलियर एक्शन को पेक्यूलियर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो स्पेसिफिक है स्पेसिफिक टू द मेडिसिन एंड स्पेसिफिक टू द पर्सन ऑन विच द मेडिसिनल सब्सटेंस इज गिवन तो वो पेक्यूलियर है वो स्पेसिफिक है इसीलिए उसको कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता ठीक आगे क्या लिखा है so there can be no questions of the equivalent remedies which can be used when the other medicine is indicated तो so, equivalent या फिर substitute remedy की बात ही नहीं आती है अगर कोई और medicine indicated है तो हमें उसी medicine को use करना है उसकी जगह कोई भी और medicine वो काम नहीं कर सकती क्योंकि हमने वो पूरी केस टेकिंग करके सिमिलिमम के साथ वो मेडिसिन निकाली है और एक मेडिसिन का सेम इफ़ेक्ट कोई दूसरी मेडिसिन नहीं दे सकती लिखा है आगे ओनली वन मेडिसिन कैन बी द सिमिलिमम एट अ टाइम नो वन एल्स विल एक्ट इक्वली वेल हैंस द डिज़ाइर्ड इफेक्ट के नॉट बी ऑप्टेंड बाई अप्लाइंग एनी अदर मेडिसिन इंस्टेड ऑफ होम्योपैथिकली इंडिकेटेड वन इसमें फिर से वही बात कही गई है कि सेमिलिमम एक टाइम पे एक ही से होता है और वही मेडिसिन जब दी जाएगी तो वो डिजायड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उसके अलावा कोई भी मेडिसिन हम देते हैं तो वो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करने में असमर्थ रहेगी जो कि वो इंडिकेटेड या फिर जो कि वो होम्योपैथिकली इंडिकेटेड मेडिसिन प्रोड्यूस करेगी ठीक आगे क्या लिखा है एज टू मेडिसिन के नॉट बी इक्वली क्यूरेबल इन वन पर्टिकुलर मोमेंट देयर इज नो सरोगेट्स दैट इज नो इक्वलेंट रेमिडीज इन होम्योपैथी तो क्या लिखा है जैसे कि जिस प्रकार दो मेडिसिन इक्वल इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इक्वली क्यूरेबल नहीं मतलब एक केस को इक्वली क्योर नहीं कर सकती दो अलग अलग मेडिसिन इसीलिए देर इज इस नो सरोगेट्स मतलब होम्योपैथी में कोई भी सरोगेट्स नहीं है दैट इज़ नो इक्वलेंट रेमिडीज़ इन होम्योपैथी तो होम्योपैथी में जो इक्वेलेंट रेमिडीज़ या फिर सरोगेट्स का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं किया जाता है ठीक है तो एक क्विक रिकैप के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हमने देखा कि सरोगेट्स क्या होते हैं और वो सरोग तो हमें पता चला कि वो इक्वेलेंट मेडिसिन होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक चीज़ की जगह ले सके तो फिर हमने आगे देखा कि डॉक्टर हैनमन के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में सरोगेट्स का कोई वजूद नहीं है इसलिए क्योंकि एक टाइम पे देर इज़ अ सिंगल सिमिलिम तो सिर्फ वही मेडिसिन एक डिजीज़ को क्योर कर सकती है क्योंकि सेम टाइम पे दो मेडिसिन सेम इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती और फाइनली ये लास्ट पॉइंट लिखा है कि नो इक्वेलेंट रेमिडीज़ इन होम्योपैथी बिकॉज टू मेडिसिन कैन नॉट बी इक्वली क्यूरेबल इन वन पर्टिकुलर मोमेंट ठीक है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर मैंने पूरी कोशिश की आपको सरगेट्स अच्छे से समझाने की आई होप सबको समझ में आया होगा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपके लाइक्स और कमेंट्स ब्लेसिंग्स का काम करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू